अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं हुए, अगर आप अभी भी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो, अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड मेहनत करते हो उसके बाद भी आप सक्सेस नहीं हो पा रहे, आप सुनते होगे कि मेहनत करो मेहनत करो, मेहनत करने के बाद ही आप सक्सेस हो पाओगे, आप अचीव कर पाओगे अपने टारगेट अपने गोल्स, अगर उसके बाद भी आप नहीं कर पा रहे हो तो कोई तो वजह होगी। और कोई एक वजह है कि आप, हो सकता है कि जो काम आप कर रहे हो सकता है उसके करने के तरीके शायद अलग हों। इस संसार में हम सभी को सक्सेस होना है, हम सभी को कामयाबी हासिल करनी है अपनी लाइफ में, हम सभी को वो सारी चीज़ें हासिल करनी है जो हमारे ड्रीम्स हैं, और हम सब मेहनत भी करते हैं, पर क्या सब सक्सेस हो पाते हैं? देखिए, आप सोच रहे होंगे कि मैंने अभी तक इतनी उम्र में इतनी स्ट्रगल कर रहा हूँ और आज भी स्ट्रगल ही कर रहा हूँ, मैं इतनी मेहनत के बाद भी सफल क्यों नहीं हो पाया? तो सफल ना होने के बहुत से रीज़न होते हैं दोस्तों, जिनमें से आज मैं बहुत बड़ा रीज़न की बात करूँगा, और वो है कि किसी भी काम पर मेहनत करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उस वो मेहनत सही तरीके से की जा रही है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। तो आज हम इस पर बात करेंगे, और इसी बात को लेकर छोटी सी मैं कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ कि एक बार की बात है कि एक शहर में बहुत धनवान आदमी था, मतलब जो बहुत पैसे वाला व्यक्ति था, और उसकी आँखों में एक बार प्रॉब्लम हो गई। तो उसकी आँखों में क्या होता था, जलन होने लगती थी दोस्तों, तो वो बहुत ज़्यादा देख नहीं पाता था। जो इस हमारे देश के जो इंडिया में जो डॉक्टर है वो तो उनकी बीमारी को पहचान ही नहीं पाए, क्योंकि वो बहुत पैसे वाला था, तो वो इंडिया के बाहर गया और उन्हें बड़े डॉक्टरों को दिखाया, तो उसमें से एक डॉक्टर ने उसकी बीमारी को पहचान लिया और उसने बताया कि तुम्हारी आँखों में तुम्हें एक इन्फेक्शन हुआ है, एलर्जी हुई है तुम्हें। अच्छा, तो इसका कोई उपाय नहीं है, हालांकि हाँ इस एलर्जी से बचा जा सकता है। उन्होंने बताया कि किस तरह की एलर्जी, उन्होंने बताया कि अगर तुम हरे कलर के अलावा कोई और कलर देखोगे तो तुम्हारी आंखों में जलन पैदा होगी। सो तुमको जब भी किसी भी चीज़ को देखना है, हरे कलर को देखना है, हरा रंग देखना है, अगर हरे रंग के अलावा किसी भी चीज़ को देखा सो आंखें जलती रहेंगे और वो बाद में ख़राब भी हो सकती हैं। सो वो आदमी क्योंकि पैसे वाला था तो उसने क्या किया कि वो जहाँ जाता था वहाँ पर हरा कलर करवा देता था, उसने अपना घर या उसमें अपने काम की जगह पे या कहीं पे भी बाहर जाता या शहर में भी घूमता था, सो वो अपने साथ एक टीम लेकर चलता था जो उसके जाने से पहले उस दीवारों पर हरा कलर रंग चढ़ा देते थे, तो हर जगह वो हरा कलर देखता था, पर तब भी उसकी आंखों में जलन होती थी। क्योंकि दोस्तों अगर हम देखा जाए तो हर चीज़ को हरा कलर नहीं किया जा सकता, जैसे आसमान तो नीला होता है ना, उसको कैसे हरा रंग हम कर सकते हैं? जैसे खाना खाते समय जब हम खाना देखते तो वो तो हरे कलर का नहीं हो सकता ना, उसके बाद भी वो सेटिस्फाई नहीं था। तो दोस्तों आपने देखा कि ये कहानी आपसे भी मिलती जुलती हो सकती है, जैसे कि उस व्यक्ति को हरे कलर के अलावा कुछ रंग नहीं देखना था, वैसे भी हो सकता है कि हमारी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो जो शायद हमारे पास सलूशन भी हो, पर हम एक और सरल सलूशन खोजने की वजह हम एक लेंदी सलूशन पे जाते हैं और उस पर मेहनत करते रहते हैं और अपना समय और अपना पैसा बर्बाद करते हैं, और हम उसके बाद भी सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि उस व्यक्ति का क्या हुआ, उस शहर में एक बुद्धिमान महात्मा रहते थे, तो उन्होंने देखा कि शहरों में हर जगह हरा कलर पुता हुआ है, उन्होंने लोगों से पूछा कि भाई ये है क्या, सो उन्होंने बताया कि एक अमीर आदमी रहता है भाई, उसका ये प्रॉब्लम है, तो इस वजह से सब जगह हरा कलर करवा चुके हैं। तो वो महात्मा जी उस आदमी के पास गए, उन्होंने कहा कि भाई मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा सलूशन दे सकता हूँ, और बस तुम मुझे वादा करो कि अब तुम शहर में कहीं पर भी कुछ भी हरा कलर नहीं पुतवाओगे। उसने बोला बिल्कुल, आप मुझे बताइए, अगर इससे बेस्ट कुछ हो सकता है तो मैं बिल्कुल करूँगा अपने लिए। उसने बोला कि तुम एक काम करो, तुम हरे कलर का चश्मा पहन लो, क्योंकि उसके बाद तुम कुछ भी देखोगे वो तुम्हें हरा कलर ही दिखाई देगा, भले ही वो आसमान हो या कुछ भी हो, और तुम्हारा पैसा भी बच जाएगा और समय भी बच जाएगा, तो और चश्मा खरीदने में तुम्हें ज़्यादा पैसा भी नहीं लगेगा। सो ये बात सोच के वो चौंक गया, वो सोचा कि इतना सरल उपाय मेरे आँखों के सामने था और मैं उसको पहचान नहीं पाया। तो दोस्तों इस कहानी का भी उद्देश्य यही है कि बहुत से सलूशन हमारी आँखों के सामने होते हैं पर हम उसको देख नहीं पाते हैं, और हम लेंदी सलूशनों में खो जाते हैं और जिससे हम अपना टाइम और समय वेस्ट करते हैं। मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि जो भी मेरे मोबाइल के टेक्नीशियन भाई हैं, जो भी हैं, जो हम यूट्यूब देख के सीख रहे हैं, हमें सलूशन तो मिल जाता है, हाँ वो एक सलूशन तो है, और हम उसमें अपना समय और टाइम वेस्ट कर देते हैं, पर मुझे लगता है अगर सही तरीके से सीखा जाए तो वो चीज़ें इतनी सरल लग जाएंगी कि जो किसी दूसरे के लिए कठिन हो सकती है वो आपके लिए शायद बहुत ज़्यादा ईजी हो।
सो आप देखेंगे जो 10-10 साल पुराने एक्सपर्ट होते हैं उनके लिए काम कितना आसान होता है, पर वही काम अगर आपको लगता है आप और वही काम अगर आप बिना नॉलेज के भी 10 साल करेंगे ना दोस्तों, तो भी आपको वो काम बहुत ज़्यादा मुश्किल लगेगा। तो मुझे लगता है कि सोल्यूशन हमारे आँखों के सामने है, पर पहचानने की परख होनी चाहिए कि तो या तो अपना समय और पैसा वेस्ट कीजिए, नहीं तो एक अच्छा सोल्यूशन लेकर अपनी ज़िंदगी को बनाइए और सफल होइए। सो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आप इसको YouTube चैनल पे देख रहे हैं सो नीचे दिए लाल कलर के बटन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों मैं आपसे वादा करता हूँ कि इसी तरह के मैं आपको मोटिवेट करता रहूँगा, ज़िंदगी के जो रियल केसेस हैं उनके बारे में बताता रहूँगा, ताकि आपको अपनी कमियों के बारे में भी पता चलता है, आप उस पर काम करने पर डरे नहीं। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए।